Kusumjit Kaur and I am from Moga, and here I am going to discuss about some strategies which I have followed to overcome my phobia of listening, and finally I got 7 band in it. So first of all, the most important strategy is the prediction. Mostly की अंदाज़ा कि जदों अपन ट्रैक के विच 30 seconds मिलते हैं तो आप जस्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। आपा ये नहीं करना होंदा। जो मैं चीज़ की सी ये आ कि मैं प्रेडिक्ट करती सी, लाइक उन्होंने कोई नेम बोलिया तो फर्स्टली मैं नेम सोचती सी कि इत्थे कि नेम ही आएगा। सैकेंड, लाइक उन्होंने कोई फोन नंबर दिता तो मैं इस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहिंदी सी कि कदों फोन नंबर ही बोलणगे। तो मेरे लिए यही फर्स्ट स्ट्रैटेजी सी कि प्रेडिक्शन करनी है। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर मी। The another thing is that like second part दे विच आपां नूं मैप मिलदा है sometimes। तो मैप दे विच की हुंदा है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती सी कि वेस्ट एंड ईस्ट किधर आ। तो मैं जो चीज़ फॉलो की थी तो ये तुसीं भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक वेस्ट एंड ईस्ट, these both collectively makes we। तो आप ये चीज़ माइंड में रख सकते हैं कि we makes west and east। सो ये सी मेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी। Now I will tell about the second strategy, that is about underlining the keywords। मैं second strategy ये follow करी सी कि मैं keywords underline करती सी। जो भी ट्रैक प्ले होने तो पहला अपन 30 seconds का टाइम मिलता वा तो उदों जेडे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड अपन लगते आ आपां उन्हां नूं अंडरलाइन कर लेना वा। ओके, अंडरलाइन कीवर्ड्स ये अपन हेल्प करेगा जज करने दे लई कि जो स्पीकर आ किस चीज़ बारे बोल रहा या वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा वा। सो दिस वॉज माई सैकेंड स्ट्रैटेजी। एंड द थर्ड स्ट्रैटेजी वॉज लाइक जो भी कोई ट्रैक मिलती अपन तो वो कदे भी अपन एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं देंगे। तो बैटर आ कि आप पहला तो ही उहदे सिनोनिम्स या एंटेनिम्स बारे सर्च करिए या उन्होंने बारे एग्जाम में बैठे हुए सोचिए, क्योंकि कदे भी पेपर के एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं आती। सो थर्ड पॉइंट इज टू यूज सिनोनिम्स। And the last one, that was my strategy कि अगर जो भी आपको पेपर दे विच बैठे माइंड दे विच बहुत सारी चीज़ां आंदियां ने, पर जो आप लिसनिंग द पेपर करते हैं तो उदो फर्स्टली टेक अ डीप ब्रेथ एंड दैन स्टार्ट योर एग्जाम। इहदे नाल की आंदा है अपने कोल कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होंदा। सो आई विल से that firstly take a deep breath and then start your listening. Don't look over here and there, just focus on your listening. So my fourth point is, so another thing is that always target your listening, क्योंकि अगर आप अपनी listening को target करके रखांगे कि इत्थे ए वाला आंसर आ सकता वा तो definitely there will be no problem for us to attempt any question। So this was my 4 strategies which I have followed, and finally I got 7 in listening. And the last thing I would say that never miss any track or never stick on one question, क्योंकि track कदे भी stop नहीं होएगी, वो continuously चली जाएगी तो ये की होएगा अगर आप एक क्वेश्चन पर स्टिक करांगे तो अपने बाकी के क्वेश्चन भी मिस हो जाएंगे। एंड आई वुड से दैट just follow these strategies, you will definitely get your desired score।